राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल से इस वक्त की फतेहपुर उत्तर प्रदेश की खबर। पत्रकार विकास परिषद फतेहपुर जिले की टीम हमेशा जनता की सेवा बिना किसी लालच के की है। आज जैसे बारिश से कच्ची मिट्टी से बने घर गिर गए हैं, उनके गांव जाकर परेशानी को समझते हुए राशन देकर दुख व्यक्त किया। पत्रकार विकास परिषद लगातार गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों की फतेहपुर टीम मदद करती चली आ रही है और अभी कुछ समय पहले संगठन से जुड़े भाई धर्मेंद्र सिंह कौशाम्बी अध्यक्ष, संदीप कुमार जिला सचिव और प्रदीप कुमार सिरातू ब्लॉक उपाध्यक्ष कौशाम्बी से भी आए और गांव जाकर लोगों को राशन वितरण करवाने में सहयोग किया। आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जिले की टीम चाहे कोरोना जैसी महामारी हो या फिर लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण करना हो या फिर कोई होली दिवाली जैसा त्योहार हो, हर समय जरूरतमंद लोगों को हेल्प पत्रकार विकास परिषद टीम ने की है। और ये सब करने के लिए किसी से चंदा करने की बात नहीं है। मैं मेहनत करता हूँ और उसी मेहनत की कमाई पर भरोसा रखता हूँ, उसी से खाता हूँ और जरूरतमंद लोगों को भी खिलाता हूँ। अभी पत्रकार विकास परिषद खागा तहसील उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि टेसाही खुर्द में कई लोगों के घर गिर गए हैं और विकलांग भी हैं। हम लोग वहां जाकर लोगों को राशन वितरण किया, जिसमें बुंदेलखंड प्रभारी फतेहपुर जिला अध्यक्ष संजय पटेल कौशाम्बी से जिला सचिव संदीप कुमार, प्रदीप कुमार सिरातू ब्लॉक उपाध्यक्ष खागा तहसील उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, सुरेश चंद्र प्रसार मंत्री और दीपेश कुमार जिला सदस्य, इस तरह से समर्पित भाव से लोगों ने सहयोग किया और लोगों से मुलाकात कर कुछ चर्चाएं भी की और जरूरतमंद लोगों को राशन देकर मनोबल बढ़ाने का काम किया। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, ऑल इंडिया फतेहपुर जिला रिपोर्टर अनिल कुमार के सरवानी की कवरेज। भाई भावादी सब बाय कोई मतलब नहीं है। 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 क